तो आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वॉरियर इंडिया में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपडेट है हांगकांग के बारे में, एटॉमिक हांगकांग। जैसा कि आप सभी को पता है कि एटॉमिक चाइना ओपन हो चुका है, ठीक है। एटॉमिक चाइना का जो रजिस्ट्रेशन था वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और एटॉमिक चाइना की जो टीम वॉरियर है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है एटॉमिक के जो लेटेस्ट डाटा है चाइना से रजिस्ट्रेशन के, काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाटा है, ठीक है। तो जब वहाँ से ऑफिशियल डाटा मिलेगा हमें रजिस्ट्रेशन कितने हो चुके हैं चाइना के, तो वो आपको शेयर करेंगे हम, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि एटॉमिक हांगकांग की जो अपडेट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन का अपडेट है वो आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी ऑफिशियली आ चुका है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस किया गया है कि जितने भी जो कंज्यूमर मेंबर्स हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा हांगकांग में, जैसे कि चाइना में सबसे पहले कंज्यूमर आईडी क्रिएट होगी, फिर उस आईडी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में, फिर उसके बाद एज ए वेंडर। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। इन ऑर्डर टू एनेबल हांगकांग कंज्यूमर्स टू एन्जॉय एटॉमिक मास्टर्स प्रोडक्ट एसिव एंड अल्टीमेट गोल ऑफ कस्टमर सक्सेस फिलोसफी ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें सिर्फ यही दिखा रखा है कि जो भी एटॉमिक हांगकांग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और जितने भी जो कंट्रीज़ हैं जिसमें कोविड-19 कोरोना की वजह से जो चल रहा है वो अभी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टेबल होगा। और टू ब्रिंग न्यू विटेलिटी टू द हांगकांग मार्केट, द हेड ऑफिस डिसाइड टू ओपन द मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन इन हांगकांग मार्केट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑन 23 अप्रैल 10 AM। जैसा कि आपको पता चला कि कोरोना के जो केस है चाइना हांगकांग में वहाँ पे कम हो गए हैं, और एटॉमिक को लग रहा है कि अब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना चाहिए हांगकांग के अंदर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे 23 अप्रैल को एटॉमिक स्टार्ट कर रही है 10 बजे सुबह से। वी विल ओपन द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर मेंबर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एटॉमिक कोरिया। हाँ, जो कोरिया की वेबसाइट है उसका जो गेटवे है वो हांगकांग के कैंडिडेट्स के लिए खोल दिया गया है। जो भी हांगकांग के रजिस्ट्रेशन करने हैं अगर आपको, तो एटॉमिक कोरिया की वेबसाइट पे आपको करना पड़ेगा, और हांगकांग की जो वेबसाइट का लिंक है, एटॉमिक कोरिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के आपको लिंक मिलेगा, फिर वहाँ से आपको जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी आईडी होंगी रजिस्ट्रेशन अभी हांगकांग की, वो एज ए कंज्यूमर मेंबर रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट एजेंट रिजर्व सर्विस सेंटर चेंज इन द कंट्री टू विच द ओवरसीज मेंबर ऑफ हांगकांग बिलोंग्स, द शॉपिंग मॉल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द मकाऊ रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज। अभी ये नेक्स्ट चीज़ बोल रहा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे रिजर्व जो भी सर्विसेज है वहाँ पे चेंज इन द कंट्री, अगर कोई बंदा, ठीक है, चाइना में रह रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर उसके पास हांगकांग की सिटीजनशिप है तो वहाँ पे वो डबल रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता। तो हांगकांग के जितने भी कंज्यूमर मेंबर है वो वहीं पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हांगकांग के जो मेंबर्स हैं किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, अगर वहाँ की नागरिकता उनको मिल गई है और वहाँ पर उनकी आईडी लगा ली है वो, तो वो डबल आईडी नहीं लगा पाएंगे हांगकांग सिटीजनशिप से, ठीक है। और जो शॉपिंग मॉल और रजिस्ट्रेशन जो मकाऊ के बारे में इन्होंने बोला है कि मकाऊ का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही मकाऊ का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा आपको बता दिया जाएगा। और फर्दर नोटिस क्या इन्होंने लिखा है कि वो कंसिडर है कब करेंगे अभी, ठीक है, जैसे हांगकांग ओपन हो गया उसके बाद शायद मकाऊ का रजिस्ट्रेशन वो ओपन करेंगे। प्लीज़ लुक फॉर इट, प्लीज़ रेफर टू द फॉलोइंग डिटेल्स शेड्यूल एंड मैटर्स, थैंक यू। अभी जो हांगकांग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या आपको डिटेल्स चाहिए उसके बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर कंज्यूमर मेंबर, जो कैंडिडेट्स वहाँ पे एज ए कंज्यूमर मेंबर अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए डिटेल्स है, कम से कम 20 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 20, होल्डिंग हांगकांग आईडी कार्ड, उनके पास एक वैलिड हांगकांग का आईडी कार्ड होना चाहिए, कॉमनली यूज्ड पर्सनल हांगकांग मोबाइल नंबर, उनके पास जो मोबाइल नंबर होगा वो हांगकांग का होना चाहिए, ठीक है। तीन चीज़ें, 20 साल की एज होनी चाहिए, हांगकांग का आईडी कार्ड होना चाहिए उनके पास, और हांगकांग का मोबाइल होना चाहिए जो मोबाइल नंबर है वो। कंपनी ओनली एक्सेप्ट ज्वाइंट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड रजिस्टर्ड कपल एंड डज नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फिल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इंडिया में भी है कि आप अगर हस्बैंड और वाइफ है तो आपकी एक ही आईडी सिस्टम में लगेगी, एज ए कपल मेंबर आपकी एक ही आईडी सिस्टम में लगेगी। सेकेंड थिंग सेम यहाँ पे अप्लीकेबल होती है कि अगर आप कपल है, रजिस्टर्ड कपल है, तो आपकी एक ही आईडी सिस्टम के अंदर लगेगी, या इंडिविजुअली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सेकंड थिंग है कि आप किसी कंपनी, हांगकांग में कोई कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कोई भी आईडी आप सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे,
जो कि सब जगह रूल सेम है इसका। द कंप्यूटर रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, और कंप्यूटर को ये राइट है, सॉफ्टवेयर को ये राइट है कि आप ले, आप अगर एटोमी के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपकी आईडी एक्सेप्ट होगी, नहीं तो आपकी आईडी टर्मिनेट होगी। ठीक है, इफ़ हांगकॉन्ग रेजिडेंट्स होल्ड ए वैलिड चाइनीज लॉन्ग टर्म रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यू कैन रजिस्टर टू बी चाइना और हांगकॉन्ग कंज्यूमर मेंबर, हाउ एवर यू कांट रजिस्टर बोथ। अगर हांगकॉन्ग के कुछ सिटीजन ऐसे हैं जिनके पास चाइना का आईडी कार्ड है गवर्नमेंट का, तो आप चाइना में भी आईडी लगा सकते हो और हांगकॉन्ग में लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। या तो आपको हांगकॉन्ग में आईडी लगानी पड़ेगी या चाइना में, दोनों कंट्रीज़ में आप दो आईडी नहीं लगा सकते, डबल आईडी नॉट अलाउड ऑफ ए सिंगल पर्सन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। What is consumer membership? Consumer membership क्या है उसके बारे में बताया गया है, consumer members do not accumulate group PV and commission। अभी जो ID registration हो रही है वो consumer members as a consumer member हो रही है, जैसे इंडिया में भी हो रही है, ठीक है, चाइना में भी हो रही है। तो consumer membership के थ्रू जो ID registration होगी उसमें आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप का PV और कमीशन, आपके लेफ्ट एंड राइट में जो टीम बाई कर रही है प्रोडक्ट उसका पीवी, ग्रुप पीवी आपको नहीं मिलेगा और उसका कमीशन नहीं मिलेगा जब तक आपकी आईडी एज ए कंज्यूमर होगी। उसके लिए आपको अपनी आईडी को केवाईसी करके उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में कन्वर्ट करना है, तभी आप बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होंगे एटोमी के अंदर। और सब कंट्रीज़ में ये गाइडलाइन सेम है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है एटोमी हांगकॉन्ग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, गो टू atomy.kr, ठीक है, www.atomy.kr पे आपको लॉगिन करना है, ज्वाइन एस पे क्लिक करना है, लॉगिन विद स्पॉन्सर आईडी से आपको लॉगिन करना है। नेक्स्ट है फॉरनर्स लिविंग अब्रॉड में 20 ईयर्स वाला सेलेक्ट करना है, फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नेम आपको भरना है, उसके अंदर जेंडर एड्रेस जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी है, डेजिनेट स्पॉन्सर का, किस स्पॉन्सर के अंडर आपको आईडी लगानी है, चेक योर रजिस्ट्रेशन, क्लिक कंफर्म, कंज्यूमर मेंबरशिप कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, 5 स्टेप है 6 स्टेप है टोटल, ठीक है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा हांगकॉन्ग का, तो पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम चाइना पे फोकस कर रहे हैं, चाइना में जो टीम वारियर काम कर रही है बहुत ज़ोर से, ठीक है, काफ़ी बड़ी टीम हो चुकी है वहाँ पे। तो फिलहाल चाइना का जो रजिस्ट्रेशन है, वो वीडियो कैसे करते हैं आप चाइना के लिए, तो उसके वीडियो लिए आप हमारा वीडियो देखिए उसके लिए। और आशा करता हूँ कि जो नए मेंबर हैं, अगर आप एटोमी इंडिया में जुड़ना चाहते हैं टीम वॉरियर के साथ, टीम वॉरियर का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया, इंडिया के नंबर वन है, और अगर आप और आपकी टीम हमारे साथ ज्वाइन करती है तो आपको और आपकी पूरी टीम को टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो एटोमी से रिलेटेड ग्लोबल अपडेट हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।